YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और UPI उसकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन तो आपको मैं बता दूं कि जो मन में सवाल आता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BMS में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि आयुर्वेदिक के कौन कौन से कॉलेज UP में अवेलेबल है। क्योंकि हर साल NCISM ने अलग अलग कॉलेजों को मान्यता देती है, कुछ को मान्यता रोक देती है, तो इसमें वीडियो में यही बात करेंगे। आपको बता दें टोटल 80 आयुर्वेदिक कॉलेज इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 8 जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट के और साथ में जो 72 कॉलेज हैं यानी 72 कॉलेज वो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे, धन्यवाद। तो जैसे कि आप बगल में स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पहला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल अतर्रा बांदा, दूसरा कॉलेज SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली में स्थित है, तीसरा बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल झांसी में है, चौथा स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में है, पांचवा स्वामी कल्याणदेव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये रामपुर में मुजफ्फरनगर में है, छठा है ललित हरि स्टेट PG कॉलेज जो कि पीलीभीत में है, सातवां है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रयागराज में है, जो हांडिया में है प्रयागराज के, और लास्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये है संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि वाराणसी में है। तो ये टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेज की, तो इसमें नंबर 1 पर है गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि गोरखपुर में है, इसके बाद विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो कि बिजनौर में है मुरादाबाद रोड पे, नेक्स्ट श्री राम आयुर्वेदिक एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मेरठ में है, IIMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मेरठ में है, धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि बरेली में है, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड हॉस्पिटल जो कि मिर्ज़ापुर में है, कृतिका आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि बरेली में है, बाबू योगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में है, प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि हाथरस में है, श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि अलीगढ़ में है, WTM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि अमरोहा में है, संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मथुरा में है, दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि सहारनपुर में है, जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि चंदौली में है, प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में है, चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मेरठ में है, SCPM आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि गोंडा में है, SKS आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि मथुरा में है, बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि आजमगढ़ में है, द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल जो कि सहारनपुर में है, MD आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आगरा में है, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ मोहनलालगंज में है, जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि अलीगढ़ में है, ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि नोएडा में है। और बता दो ईशान की बहुत डिमांड थी, ईशान को वापस से मान्यता मिली कि नहीं मिली तो मिल चुकी है, भरत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मुजफ्फरनगर में है, श्री रामचंद्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि चिन्हट में है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ में है, GS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो कि हापुर में है, मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि फर्रुखाबाद में है, रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि बरेली में है, ITM आयुर्वेदिक एंड मेडिकल कॉलेज जो कि महाराजगंज में है, RK आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आजमगढ़ में है, अमरपाली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि उन्नाव में है, दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि गाजियाबाद में है, बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मऊ में है, वैद्य योगदत्त शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
जो कि बुलंदशहर में है, एंकराइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में है, इसको भी मान्यता मिल गई है। बच्चों की बहुत डिमांड रहती है एंकराइट की। आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आगरा में है, कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कासगंज में है, अलीगढ़ यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि अलीगढ़ में है, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि आजमगढ़ में है, SAS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि वाराणसी में है, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि चोलापुर वाराणसी में है, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि मेरठ में है, डॉक्टर KGD आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि झांसी में है। और इस कॉलेज के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। CS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि एटा में है, भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि अमरोहा में है, संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि अमरोहा में है, श्री बाबू सिंह दद्दू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि फरुखाबाद में है, इसके अलावा प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस जो कि बुलंदशहर में है, समय गौसिया माइनॉरिटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि गाजीपुर में है, श्री सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि मुरादाबाद में है, भगवंत आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि मुजफ्फरनगर में है, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि फरुखाबाद में है, नेमीनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि आगरा में है, इसकी बहुत डिमांड होती है, गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि बरेली में है, और चंद्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश में है, SRS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कि आगरा में है, गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि फैजाबाद में है, सॉरी लखनऊ में है, फैजाबाद रोड पे, विमला फैमिली आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि कानपुर में है, रामा आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल एंड हॉस्पिटल जो कि कानपुर में है, इसको भी मान्यता मिल चुकी है, बच्चों की बहुत डिमांड होती है, ग्लोकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जो कि सहारनपुर में काफ़ी डिमांड में होती है, मान्यता मिल चुकी है, KVS इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस जो कि गाजीपुर में है, फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस जो कि बरेली में है, RGS आयुर्वेदिक एंड मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में है, RK इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस जो कि बरेली में है, श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि शाहजहाँपुर में है, स्वाति हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि मुजफ्फरनगर है, जावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ में है, कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो सहारनपुर में है, डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि वाराणसी में है, एंड लास्ट ANA आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि बरेली में है। इन सभी कॉलेजेस 72 कॉलेजेस को मान्यता मिली है, 8 गवर्नमेंट कॉलेज को मान्यता है, टोटल 80 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। थैंक यू।